find the current drawn from the battery. Let me write the question in the numerical form. Find the current drawn from the battery. From the battery by the network of four resistors. By the network of four resistors shown. आपको बच्चों एक फोर अलग अलग तरीके के रेजिस्टर्स का नेटवर्क दे रखा है. लेट मी ड्रॉ दिस नेटवर्क. बेटे अलग नहीं है, सेम ही है रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए. दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस बेटा, एंड हियर लाइज द सेकंड रेजिस्टेंस बेटे, और यहाँ पे आपके पास थर्ड रेजिस्टेंस है, एंड हियर इज बेटे योर फोर्थ रेजिस्टेंस बेटे. ये आपने लगा रखे हैं और आपको एक सर्किट में सोर्स ऑफ ईएमएफ जो दिया गया है, दिस इज बेटे 3 वोल्ट. ये सारे 10 ओम के हैं बेटा, और आपको इन 10 ओम के जो रेजिस्टर्स का नेटवर्क है, इस नेटवर्क ने कितना करंट ड्रॉ किया है फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज दिस सेल और बैटरी, ये बेटे निकालना है. एक मिनट लगाइए बेटे, डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू, फिर हम आगे चलते हैं. तो मैं भी करूंगा सॉल्व, आप भी करके देखिएगा. ये आपके पास बेटे नेटवर्क है 4 रेजिस्टर्स का. आपको बैटरी से इस नेटवर्क ने कितना करंट ड्रॉ किया, ये डियर चिल्ड्रन आपको निकालना है. ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई करिएगा, एक मिनट लगाइएगा. आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग, फिर हम आगे चलेंगे बेटा. भूमिका, दक्ष, हरलीन, हरसिमरन, कनिष्का, कार्तिक, कीर्ति, माधव, पलक. हाँ जी पुत्र, करिए बेटे करिए, शाबाश. सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, तो आप ट्राई करिएगा, मैं भी फिर बेटे इसको सॉल्व करता हूँ. राघव 3/10, राघव 3/10 नहीं आ रहा बेटी, एक बार चेक करो तो. हाँ जी 3/10 ही आएगा. ठीक है बेटे, राइट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. आइए बेटे मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, आप एक बार देखिएगा. इसमें जो आप बेटे रेजिस्टेंस का नेटवर्क देख रहे हो, ये दोनों सीरीज में बेटे 3/10 नहीं आएगा, एक बार चेक करना प्लीज राघव. ये 10 और ये 10, ये दोनों बेटे सीरीज में है, इनका इफेक्टिव आपके पास 20 ओम आ जाएगा. ऐसे ही ये दोनों भी सीरीज में है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी 20 ओम आ जाएगा बेटा. और ये दोनों 20-20 ओम के रेजिस्टेंस जो है बेटा, दीज आर इन पैरेलल बेटी. ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है, तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है, दिस इज 1/20 + 1/20, इट विल बी 2/20, इट विल बी 1/10, एंड बेटी आर इफेक्टिव आपके पास 10 ओम आ जाएगा. जरा चेक करके देखिएगा, सारे स्टूडेंट्स उत्तर चेक करके देखिएगा, ऑल ऑफ यू बेटा. कोई मुश्किल तो नहीं लग रही बात बेटा? दक्ष, हरलीन, हरसिमरन, ओके बेटा, ठीक है जी, ठीक है. सेकंड पार्ट में बेटे इसी क्वेश्चन का जो सर्किट है, उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है. उन्होंने कहा है कि ये वाला वायर यहाँ पे अटैच नहीं किया, बल्कि यहाँ पे की लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पे अटैच किया है. नाउ वंस अगेन कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बेटा, एंड आल्सो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट. करंट हमने निकाला नहीं पहले केस में, पहले केस में करंट आपके पास जो है आई, दैट विल बी 3/10.3 एम्पीयर आ जाएगा. दूसरे केस में भी निकालिएगा कि अब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, और बेटे हमारा जो है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल
और द सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो कितना है, ये दो चीजें आपकी निकालने वाली है। ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई करिएगा। अब आपके सर्किट में थोड़ा सा चेंज है, जो ये वाला टर्मिनल यहाँ पे था पहले, इसको अब यहाँ पे टच करवाया गया है। दिस इज द चेंज मेड बाय द एग्जामिनर। देखिएगा ध्यान से करके और बताइएगा बेटा। सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार चेक करिएगा, यशित, तृप्ति, केशव, पारुल, इकजोत, सक्षम, रूहानी, सजल। हाँ जी बेटे, देखिएगा इसको सॉल्व करके डियर चिल्ड्रन, और बताइएगा व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। आई विल आल्सो सॉल्व। हरसिमरन कौर, कनिष्का, कार्तिक, 0.4, राघव अरोड़ा, 0.4 एम्पियर्स। बिल्कुल ठीक, थम्स अप फॉर यू। आइए मैं भी सॉल्व कर देता हूं बेटा। सारे स्टूडेंट्स एक बार देखिएगा, जब आपका सर्किट सेटअप इस तरीके का हो जाता है तो आपका सर्किट कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर और ये तीनों तीनों आपके सीरीज में हो गए हैं बेटा, और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ये 10 + 10 + 10, दिस इज इक्वल टू 30 ओम। एक ये वाला जो है और ये जो तीनों है आपस में अब पैरेलल हो जाएंगे। आर आपका ये वाला 10 ओम है, एंड इनका इफेक्टिव जो अब आपके पास आएगा इट विल बी 1/10 + 1/30, एंड डियर 1/r इफेक्टिव बन गया जी 30। 10 3s are 30, 3 ये 1 आ जाएगा, दिस इज 4/30, एंड आर इफेक्टिव आपके पास बन गया 30/4 ओम बेटा। अब बच्चों आप क्या करिए, करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ डायरेक्टली यूज कर लीजिए। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इफेक्ट, इट विल बी 3/30/4, ये 10 आ गया इन द डिनोमिनेटर। आई इज इक्वल टू 4/10, एंड दिस इज 0.4 एम्पीयर्स। डियर चिल्ड्रन, सारे स्टूडेंट्स एक बार देखिएगा, कोई आपको पॉइंट इसमें ना पता चला हो। ऑल ऑफ यू बेटे, यस डियर ऑल, देखिए और बताइए पुत्र। नाइस बेटे, नाइस। इसके साथ सर्किट सेटअप के साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आइए देखिए बेटा, व्हाट डज दैट स्टेट, आपके पास बेटे जो है, आइए देखिए फर्दर मोर दैट क्या पूछा गया है हमसे। लेट मी ड्रॉ द सर्किट। बच्चों आपको दिया गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बेटे दे दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको करंट निकालना है। सर्किट कुछ इस तरीके का है, दिस इज वन रेजिस्टर एंड दिस इज अनदर रेजिस्टर एंड देयर इज स्टिल अनदर रेजिस्टर, और यहाँ पे दो रेजिस्टर्स और दिए गए हैं 1 ओम का एंड 3 ओम का। ये आपको ऐसे दिए गए हैं, और बेटा यहाँ पे एक आपको बैटरी दी गई है इस तरीके से। ये सर्किट सेटअप आपका कुछ इस तरीके का। बैटरी की वोल्टेज आपको 4.5 वोल्ट दी गई है। ये बेटा 3.6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का, ये 1 ओम, ये 3 ओम, दिस इज अगेन 3 ओम। आपको बेटे करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स या करंट इन द सर्किट निकालना है। 2 मिनट बेटे लगाइएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, मैं भी फिर सॉल्व करता हूँ, फिर हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं बेटा। सारे स्टूडेंट्स बेटे आपका डायरेक्टली अरेंजमेंट और द ग्रुपिंग्स ऑफ द रेजिस्टर्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा करके।
माधव, हाँ जी, वेरी नाइस राघव, गुड 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 बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड कैलकुलेशन माधव. कीर्ति, माधव, कीर्ति, हरलीन, करिए बेटे, बाकी स्टूडेंट्स भी करके देखिए, 1 मिनट लगाइए. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा आपका सर्किट का अरेंजमेंट दे रखा है आपको. देखिएगा बेटा, चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स. यस विदे, राइट, गुड, बच्चों चेक करके देखो. कनिष्का, कार्तिक, अखिलेश, बलजिंदर, यस डियर ऑल, एकजोत, पारुल, केशव, विपरीत, विनीत रूप, समीक्षा, सूर्यांश, तृप्ति. देखो पुत्र, एक बार इधर भी देखो फिर. सबसे पहले तो ये दोनों आपके सीरीज में हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस 3 ओम, ये आपके पास आ जाएगा 4 ओम बेटा. ये इनका इफेक्टिव और ये 6, ये दोनों बच्चों पैरेलल में लगे हुए हैं. और आपका जो नेट रेजिस्टेंस है R डबल डैश, इट विल बी 1/4 प्लस 1/6 बेटे. इस तरीके से निकालिएगा, इट इज 24 एंड इट इज 6 प्लस 4, 10/24 एंड R डबल डैश 24/10, 2.4 ओम आपको मिलेगा इन इन दोनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू. अब आपका ये वाला, इन दोनों का इफेक्टिव और ये तीनों सीरीज में है बेटा. और अगर ये सीरीज में है, आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है सर्किट का, इट विल बी 3.6 प्लस 2.4 प्लस वो 3 भी ऐड कर लीजिएगा, दिस इज 9 ओम. चेक करिएगा सारे बच्चे. और बेटे आपको बिकॉज करंट निकालना है, करंट आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर इफेक्टिव एंड इट विल बी इक्वल टू वी, आपके पास 4.5 एंड आर इज 9, दिस इज 1/2 एम्पियर्स, या आप इसको 0.5 एम्पियर्स भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल बेटा, यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट एज वेल एज विथ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. चेक करिएगा और बताइएगा, कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला तो बेटे मैं इसको रिपीट कर दूं, अदरवाइज आगे चलें बेटा. वेरी नाइस, ठीक है बेटा, गुड. बेटे पावर कंजम्पशन के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लेट अस फोकस अपॉन दिस ऑल्सो. लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट पार्ट, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. जो आपके सर्किट में पावर की कंजम्पशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हुआ करते हैं, उनके रिगार्डिंग बेटे मैं बात कर रहा हूँ. आइए जरा देखें, आपको दिया गया है बेटा न्यूमेरिकल में, टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, एट 220 वोल्ट एंड अदर 200 वॉट एंड अदर 200 वॉट
एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड नंबर वन इन सीरीज, इन सीरीज नंबर टू बेटा इन पैरेलल, इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई एट 220 वोल्ट. फाइंड द करंट ड्रॉन इन ईच केस, फाइंड द करंट ड्रॉन इन ईच केस. दोनों केसेस में आपको कितना करंट सर्किट से ड्रॉ कर रहे हो ये बेटे आपको निकालना है. दोनों चीजें आपके पास, मुश्किल कुछ भी नहीं, दो मिनट लगाएंगे. आई विल ऑल्सो सॉल्व दिस. लगाइए बेटे दो मिनट इन पे उत्तर ऑल ऑफ यू. यस डियर ऑल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं. टेक टू मिनट्स उत्तर और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. बलजिंदर कौर, अंशिका, भूमिका, दक्ष, सलीम, हरसिमरन कौर, कनिष्का, कार्तिक, काविश, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं. बच्चों चेक करो, सॉल्व करो, बताओ कैसे निकाल सकते हैं हम बेटा. डियर चिल्ड्रन, पावर आपका जो होता है ना, पावर पी, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हुआ करता है. इसको यूज करेंगे आप और आपका यहां से डेफिनेटली जो R है इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा. पहला बल्ब 100 वॉट की इसकी पावर रेटिंग है 220 वोल्ट पर. इसका रेजिस्टेंस R1 जो होगा बी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100. ये दोनों जीरोस कट जाएंगी आपकी. 22 × 22 484 होता है, चेक करिएगा. दिस इज 484 ओम. ऐसे ही आप अपना जो दूसरा बल्ब है इसकी भी निकाल लीजिए रेजिस्टेंस. इट विल बी ये 100 की जगह पर ये 200 वॉट है, बाकी तो सारे इसके पर्टिकुलर बेटा सेम ही है. सो आइए देखें, इट विल बी 220 अपॉन 200, मतलब जितना पहले था उसका हाफ हो गया ये, तो ये आ जाएगा 242 ओम. चेक करके देखिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, यू ऑल आर गेटिंग दिस और नॉट. ऑल ऑफ यू बेटा चेक करिएगा. अब आप इन दोनों को जब सीरीज में लगा देते हो, पहला केस सीरीज में जब आपने इनको लगाया तो आर इफेक्टिव आपके पास 484 प्लस 242, इट विल बी 726 ओम. चेक करिएगा डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू, इट इज देयर और नॉट. और जब इतना निकाल लेते हो आप, इसके बाद करंट निकाल लीजिएगा आई. सप्लाई आपको 220 वोल्ट पे दे रखी है. I will be equal to V upon R effective 220 upon 726 ampere. और बच्चों ये
जब आप सॉल्व करोगे आपके पास करीब करीब 0.3 एम्पियर आ जाएगा। चेक करिए और बताइए बेटे, यू ऑल आर गेटिंग दिस और नॉट बेटे, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, चेक करके देखिएगा सीरीज में इतना करंट आपका सर्किट ड्रॉ कर रहा है कि नहीं पुत्र, ऑल ऑफ यू बेटा चेक करके देखिएगा। फिर इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से पैरेलल में भी निकालिएगा, सीरीज में मैंने कर दिया डायरेक्टली, पैरेलल में भी करके देखिएगा बेटा व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। पैरेलल में आपको रेजिस्टेंसेस आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, इसी तरीके से करके देखिए, देखिए पुत्र करके सारे बच्चे बेटे। और बताइए राघव, राघव याशित, सूर्यांश, दीप्ति, सजल, समीक्षा, रूहानी, राघव दोनों, पलक, माधव, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन। इन द केस ऑफ द पैरेलल, सीरीज वाला कर दिया मैंने, पैरेलल वाला करके देखिए चेक करके कितना आता है बेटा। पैरेलल का केस बेटे चेक करिएगा कितना आ रहा है, पैरेलल में 1/r इफेक्टिव, दिस इज 1/484 प्लस 1/242, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है निकालने के लिए आप ऐसे करोगे एंड आर इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा 484/3 एंड आई बी अपॉन आर इफेक्टिव करिएगा, इट विल बी बी आपके पास एट 220, दिस इज 484/3 और आई पैरेलल के केस में बेटे आपकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है आफ्टर सॉल्विंग 1.36 एम्पियर्स के बराबर आ रही है। सो बच्चों चेक करिएगा कि पैरेलल में ये जो करंट आ रहा है इन कंपैरिजन टू द सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, करीब करीब ये देखो इसका जो है बेटा 4 times आ रहा है करीब करीब। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कि जब भी आपके जो रेजिस्टर्स हैं बच्चों इनको आप कनेक्ट कर देते हो पैरेलल में, इफेक्टिव आपके सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है बिकॉज करंट को फ्लो करने के लिए अल्टरनेटिव इजी पाथ्स मिल जाया करते हैं एंड दैट्स व्हाई हमारा जो रेजिस्टेंस है इफेक्टिव बेटा दैट विल कम डाउन। आइए आगे चलें, इसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन है अगेन ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ द जो रेजिस्टेंसेज हैं इसके बेसिस पे आपको दिया गया है, लेट अस फोकस अपॉन दिस। आपको कहा गया है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स आपको ऐसे दे रखे हैं, दिस इज अ वन रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर दिस वे और देयर इज अनदर रेजिस्टर इन दिस मैनर एंड देन बेटा आपके पास एक और रजिस्टर है यहाँ पर इस तरीके से दिया गया और यहाँ पे देयर इज स्टिल एन अदर रजिस्टर और ये आपके पास है जी बी पॉइंट, ये आपके पास है बच्चों ए पॉइंट, ए और बी में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, दिस इज 4 ohm, दिस इज 6 ohm, दिस इज 15 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 3 ohm करके देखिएगा बेटे व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी, ऑल ऑफ यू बेटा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको उन्होंने एक सर्किट दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट यू आर टू रिकॉग्नाइज दैट कि कैसी ग्रुपिंग है, सीरीज वाली है कि पैरेलल वाली है और कितना आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस केस में आ जाएगा, चेक करिएगा बेटा ऑल ऑफ यू।
डियर ऑल चेक करके देखिएगा बेटा व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. Very nice, Raghav. Very good. Well done. बाकी स्टूडेंट्स भी करिएगा बेटा. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पेट फॉरवर्ड सम न्यूमेरिकल है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों. डियर चिल्ड्रन इसको देखिएगा, ये दोनों आपके सीरीज में हैं. इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम प्लस 6 ओम, इट विल बी 10 ओम. ऐसे ही ये दोनों भी सीरीज में हैं. इनका इफेक्टिव 3 ओम प्लस 3 ओम, इट विल बी 6 ओम. अब मिडल वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, तीनों उत्तर पैरेलल में हैं. और आपके पास जो 1/R इफेक्टिव है, दिस इज 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6 विधि. और अगर आप इसको वर्कआउट करोगे लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज समथिंग लाइक दिस. ये आपके पास आ जाएगा जी 30 डिवाइडेड बाय 90, 1/3. उल्टा कर दीजिए आर इफेक्टिव, इट विल बी बेटर 3 यू. सारे बच्चे पुत्र एक बार चेक कर लो और बताओ, अगर कोई बात मुश्किल लग रही है तो मैं उसको एक बार दोबारा बता देता हूं, नहीं तो आगे चलो. वी हैव स्टिल अनदर सर्किट बिटवीन विद अस. उस सर्किट में भी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है. मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आपके पास एक ये रेजिस्टर दिया गया है और इसी के साथ आपको एक और यहां पे रेजिस्टर दिया गया है. दिस वे टू मोर रेजिस्टेंसेस आर गिवन टू अस, वन हियर एंड द अदर हियर. इनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ये सेटअप है आपके पास. और इन तीनों केसेस में, सॉरी चारों रेजिस्टेंसेस में आपको जो वैल्यूज दी गई हैं, दिस इज 6 ओम एंड हाँ जी बेटे, दिस इज योर 9 ओम, इट इज 3 ओम, 12 ओम. आपको ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है. चेक करके देखिएगा बेटे व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. ऑल ऑफ यू बेटा चेक करिएगा. आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दिस. सिंपल सा केस है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. 17.4 राघव, वेरी नाइस बेटे, वेरी गुड. बाकी बच्चे भी पुत्र एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, ऑल ऑफ यू. मैं भी एक मिनट के बाद सॉल्व करता हूँ, आप भी एक मिनट लगा लीजिए सारे बच्चे बेटे. मुश्किल नहीं. यस बेटा, केशव कालड़ा, रोल नंबर 18, 10th बी क्लास. रोल नंबर 17 काविश, कार्तिक, कनिष्का. हाँ जी पुत्र, हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी, बताइए चेक करके. चलिए ठीक है जी, इनको दोनों को देखिए, ये दोनों पैरेलल में हैं. इनका इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/12, इट विल बी बेटा 5/12. उल्टा कर लीजिएगा, इट विल बी 12/5. 2.4 बन गया ये.
इनका इफेक्टिव 2.4 है और ये दोनों आपस में, ये तीनों ही अब सीरीज में हो गए। आर इफेक्टिव आपके पास आ गया जी 6 ओम प्लस 9 ओम प्लस 2.4 ओम, सो आर इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू 17.4 ओम। बेटा इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं बेटे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि हमारा जो सर्किट सेटअप है इसका रेजिस्टेंस जो है ये कितना आपका इस केस में बनेगा। सो चलिए बेटे, इसके साथ हम एक और आपको देता हूं क्वेश्चन, आप उसको करके देख लीजिएगा बेटा, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं काम, सीधी सीधी बातें हैं बेटा। आपको एक सर्किट दिया हुआ है उन्होंने बेटा, दिस इज वन ओम एंड दिस इज टू ओम, ये दो पैरेलल में दिए गए हैं, इनको आपने एक 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से, ये करके आपको कहा गया है कि पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर आपको निकालना है। यहाँ पे पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर बेटा, कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर। सो डियर चिल्ड्रन, टेक दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, इसको छोटे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटे, थैंक यू ऑल बेटा।